दादो प्लीज ना। नहीं बिल्कुल प्लीज दादो, आप मान जाएंगी तो बाबा भी परमिशन दे देंगे। देखो मैं खुद परमिशन नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे बाबा भी नहीं दे सकते कभी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हालात कितने खराब है, कैसे इजाजत दे दें तुम्हें इतनी दूर जाने की। सिर्फ सुबह से शाम तक की तो बात है। नहीं बेटा जिद नहीं करो मेरी जान। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी आपकी चाय। बेटा तुम जानती तो हो तुम्हें कॉलेज से जरा सी देर हो जाती है तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने निकल पड़ते हैं। ऑफिस में बैठकर 10 बार मुझे फोन करते हैं कि अलीजे आई के नहीं आई, अलीजे आई के नहीं आई। और तुम खुद सोचो इतनी दूर चली जाओगी तो तुम्हारे बाबा तो सारे काम वाम छोड़ कर ना फोन लेकर बैठ जाएंगे। बस बच्ची समझते हैं ना आप लोग मुझे अभी तक। मेरी सब दोस्तें चली जाएंगी बस मैं ही एक रह जाऊंगी। कौन कहां जा रहा है? कोई कहीं नहीं जा रहा। आज तो चुड़ैल का मूड बहुत ही खराब लग रहा है मुझे। अरे भाई इसकी कॉलेज की दोस्तों के साथ ये जाना चाह रही थी पिकनिक पे। और हमेशा की तरह इजाजत तो मिली नहीं होगी। कभी मिलती है क्या? डोंट वरी चुड़ैल, इस बार हम खुद ही पिकनिक का प्लान बना लेते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स और तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेना। रियली ब्रो? नहीं चाहिए अभी जाना। कितना हसीन और कितना हैंडसम था, कितने अच्छे तरीके से उसने मुझसे बात की। लेकिन कितने अमीर खानदान से लगता है वो। लेकिन मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो मुझे देख के मुतासर हो जाए। मुझे कुछ ऐसा सोचना भी नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद हारिस का बेहतरीन मुस्तकबिल है।